मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, और 2012 में फिर एवरेस्ट तक पहुंचा दिया वही मौका। मैं बोलूँगी मिडिल क्लास फैमिली है, वो सोच भी नहीं सकती उसमें जाने के लिए कि वो क्यों करे ना। तो मुझे पूरा फुल टाटा स्टील ने स्पॉन्सर किया है। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं लगातार, मैं हूँ शुभम किशोर। झारखंड की पहली आदिवासी महिला जिन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया है, सरायकेला जैसे गाँव से निकल के सीधे एवरेस्ट पे जाने वाली महिला हमारे साथ हैं, दीपिका सोरेन। जोहार, नमस्ते, स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। सरायकेला खरसावां से निकल के एवरेस्ट पे चढ़ना क्या फील था? बहुत अच्छा था, बहुत उतार चढ़ाव भी था, क्योंकि छोटे से गांव से निकल के वो भी बिल्कुल अलग एक्टिविटी में, जिसके बारे में बहुत अवेयरनेस नहीं, बहुत जानकारी नहीं था फैमिली को भी, मुझे खुद भी, उस वैसा एक्टिविटी को चूज़ करना और उसमें हिस्सा लेके उसमें आगे बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और मुझे जैसे जैसा मौका मिलता गया, मैं हमेशा वही चीज़ बोलती हूँ कि झारखंड में जितनी भी बेटियाँ हैं हर कोई कर सकता है, बस मौका मिलना चाहिए। जैसे जैसे मुझे मौका मिलता गया, मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, और 2012 में फिर एवरेस्ट तक पहुँचा दिया वही मौका। मैं बोलूँगी कौन प्रेरणा थी आपकी, किन्हें प्रेरणा मान के आप? मेरी प्रेरणा एक ही है, मैडम बचेंद्री पाल, और मेरे माँ बाप तो वो तो है ही, क्योंकि बिना माँ बाप के प्रेरणा के या फिर उनके सपोर्ट के हम लोग कुछ कर नहीं सकते जी। तो बचेंद्री पाल जी के बारे में तो हम लोग सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ के आप भी शायद इस फील्ड में जाने का सोचे होंगे, लेकिन इस छोटे से गाँव से ये जो एडवेंचर फील्ड है यहाँ जाने का आप कैसे सोचें? मैंने बचेंद्री पाल मैम के बारे में पढ़ा नहीं था किसी बुक्स में, ठीक है। मैंने तेंजिंग हिलेरी वो लोगों का जो है स्टोरी, छोटी सी कविता जैसी, वो 5th क्लास में मैंने पढ़ी थी, और उससे ज़्यादा मुझे बिल्कुल नहीं पता था। 2004 में मैं पहली बार एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा लिया, तुमुंग में, मेरे गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन का चलता है, वहाँ पे मैं पहली बार मैडम बचेंद्री पाल से मिली, उनके बारे में जाना, उन्होंने बताया कि मैं कहाँ से आती हूँ, मैंने कैसे किया, क्या क्या, तो उनकी स्टोरी सुन के मुझे ऐसा लगा कि वो भी गांव से और मैं भी गांव से आती हूँ, तो बहुत प्रेरणा मिली उसी समय। और उस समय तो ठाना नहीं था कि एवरेस्ट करना है, लेकिन हाँ अच्छा लगता था तो एडवेंचर एक्टिविटी में हिस्सा लेते रहते थे। अपने परिवार के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। मेरे पापा जो है पराऊ सोरेन, मेरी मम्मी डुमनी सोरेन, खेती बाड़ी करते हैं, और हम 4 भाई बहन हैं। अभी मेरी शादी हो गई है, हस्बैंड है नरेश टूडू, और मेरा बेटा है अभिनव कुमार टूडू। ये जैसे किसान परिवार है आपका, वहाँ से आप बिलोंग करते हैं, क्या खर्च आता है इस तरह की एक्टिविटी में? जब मान लीजिए छोटे फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग उठ के आते हैं इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो क्या सपोर्ट, कैसे सपोर्ट मिला आपको? तो ये जो एडवेंचर एक्टिविटी है इसके मतलब ये बहुत मुश्किल है अपने से इसमें स्पॉन्सरशिप करके, इतना कॉस्टली होता है, एक एक इक्विपमेंट इतना कॉस्टली होता है, आपका ट्रेनिंग के लिए आपको जाना है, क्योंकि यहाँ तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्राउंड में गए और आपने सीख लिया, ये हो नहीं सकता है। जब तक आप वहाँ जाओगे नहीं, आप सीखोगे नहीं कि कैसे है, मुझे टेक्निक सीखना पड़ेगा सारा, कि कैसे क्लाइंबिंग करना है, कैसा जितना भी प्रोसेस है वो सारे चीज़ के लिए, और तो उसमें अच्छा खासा कॉस्ट आता है। और नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली है वो सोच भी नहीं सकती है उसमें जाने के लिए कि वो क्यों करे ना, एक क्योंकि जब भी हम लोग कोई चीज़ करते हैं तो सोचते हैं कि इसके पीछे का क्या करियर हो सकता है, क्या हो सकता है मेरे लाइफ में, तो वो है। और दूसरा, अगर कोई भी अभियान करना है, बड़ा बड़ा अभियान, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि किससे सपोर्ट मिला मैम आपको, ये सरकार ने दिया, टाटा ने दिया किसे? हाँ, तो मुझे पूरा फुल टाटा स्टील ने स्पॉन्सर किया है। कितने क्लाइम आपने किया है जैसे एवरेस्ट, और कितनी चोटी पे आपने फतह पाई? तो इंडिया में छोटे छोटे क्लाइंबिंग तो किया है, एवरेस्ट के अलावा मैंने साउथ अमेरिका का एकांकागो जो पीक है उसको किया है, अभी 7 समिट में अभी बाकी है जो मेरी टारगेट में है, अभी देखते हैं 2-3 साल में प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों का अगर दुआ रहा तो मुझे लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी विनीता सोरेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, गांव से निकल के माउंट एवरेस्ट तक क्लाइम किया है और झारखंड की पहचान दुनिया में लाई है।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें लाइव लगातार, नमस्कार।